कुछ पंक्तियां हेलो देश के लिए भी हो जाएं। हेलो, अरे कोमल भैया कहाँ जा रहे हैं आप? संजय दादा बैठिए, सुनिएगा। कुछ पंक्तियां देश के लिए भी हो जाएं, प्रयास कर रहा हूं आप सभी लोगों को अच्छा लगेगा। हो दर्द की आरज़ू ही तो गीत हुआ करती है, दर्द की आरज़ू ही तो गीत हुआ करती है, दिल की हर आ ही तो प्रीत हुआ करती है। जिंदगी के साज में ऐ व्यर्थ भटकने वालों, प्यार की आवाज ही संगीत हुआ करती है। पप्पू भैया गीत को सुनिएगा, आदरणीय सम्मानित चाचा जी सुनिएगा जरा, प्रयास कर रहा हूं शायद आप लोगों को अच्छा लगेगा। हमारे सतीश भैया आप भी बैठे हुए हैं, सुनिएगा इन पंक्तियों को। देश के लिए चंद पंक्तियां प्रस्तुत है संबोल दिल की ओर से, एक गीत फिल्मी कलाकारों ने गाया। अरे लाख छुपाए बैठी थी वो, अरे लाख छुपाए बैठी थी वो, इसको कब काहे कर दिया, वहीं रखो। अरे अपने चांद से चेहरे को और पैरन हवा ने तोड़ दिया, देखो प्यार के पहरे को, देखो प्यार के पहरे को, देखो प्यार के पहरे को, उन्हें शर्म सी आए, आने दो उनका जी घबराए, आने दो तो लाल दुपट्टा गले पड़ा, लाल दुपट्टा उड़ गया बरी हवा के झोंके से। अरे उसने पिया को देख लिया हाथ परोठे से, माना कि उसे दिल देगा वो मगर उसकी जान लेगा वो। चाचा जी और जो भी भैया दद्दा लोग बैठे हुए हैं, चंद पंक्तियां देश के लिए प्रस्तुत कर रहा है संभव हलचल। क्योंकि अगर देश नहीं है तो न संभव हलचल है न पप्पू भैया है, क्या बात, देश है तो सब कुछ है। इसलिए आइए, सीमा पर एक जवान तैनात है, जवान को उसकी मां पत्र लिखती है और देखिए पत्र में लिखती क्या है। पप्पू भैया बहुत गहराई से इन पंक्तियों को सुनिएगा सतीश भैया, पत्र में लिख क्या रही है। पत्र में लिखा उस माँ ने कि देश का है संदेश लाडले, मेरा नहीं अरे देश का है संदेश लाडले, भूल नहीं जाना, और अब की बार दुश्मन के घर में झंडा फहराना, ऐ मेरे लाल शत्रु को मार कर आना, युद्ध मत हार कर आना, शत्रु को मार कर आना, हारी हारी आना, तो हारी हारी आना।
उस माँ ने लिखा, अरे बदले की भावना के जयकारे हैं, भारत माँ के जयकारे हैं, भारत माँ के जयकारे हैं। और ये आदरणीय सम्मानी परम श्रद्धेय परम पूज्य चाचा श्री विष्णु प्रताप त्रिपाठी जी, आपकी ओर से ये 101 रुपए का प्रेम प्रसून आया है, श्री चरणों में प्रणाम कर रहा हूँ, आशीर्वाद की कामना है। और ये शारदा संजय वाजपेयी जी, आपकी ओर से बहुमूल्य 151 रुपए का इसने आया है। और दिव्यांशी वाजपेयी जी, बोल रहा हूँ भाई जी, आदरणीय दिव्यांशी वाजपेयी जी, आपकी ओर से बहुमूल्य 201 रुपए का इसने आया है। आप सभी दानदाताओं को साधुवाद है, भगवान भोलेनाथ से आपके लिए मंगल कामनाएं हैं, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आइए चलाओ, जरा दूसरी पंक्ति को सुनिएगा। तो भारत माँ की उम्मीदों पर दादा उस माँ ने लिखा कि भारत माँ की उम्मीदों पर फिर ना जाए पानी है, और शत्रु से खमना खाना तुम जिंदगी तो आनी जानी है, जिंदगी तो आनी जानी है, जिंदगी तो आनी जानी है, सरहद पे क्रांति जा देना फिर से इतिहास जा देना, सरहद पे क्रांति जा देना फिर से इतिहास जा देना। पप्पू या इन पंक्तियों को सुन लीजिए, इसके बाद पैसा दीजिए। उस माँ ने लिखा, अरे लहू से बर्फ की चादर पर जय हिंद लिख आना, और अब की बार दुश्मन के घर में झंडा फहराना, शत्रु को पार कर आना, युद्ध मत राज डीजे एंड साउंड सर्विस शाह, आपकी ओर से ये बहुमूल 51 रुपए का प्रेम प्रसून आया है। राज भैया, वाकई आपने बहुत सराहनीय काम किया है, शुरुआत में 19-20 हुआ है बात के, आपने बहुत ही अच्छा, बिल्कुल ये आप मान लीजिए हम कलाकारों में चवन प्रास डाल दिया, बिल्कुल ये मान लीजिए बहुत मेहनत की आपने, ताकत लगा दी पूरी, इस गाँव का भी नाम बचाया है और हम लोगों को भी ऊर्जा दी है, बहुत बहुत धन्यवाद है राज भैया। भगवान भोलेनाथ आपको सदा स्वस्थ रखे, और जब भी इस गांव में कार्यक्रम हो पप्पू भैया हम लोग आए तो राज भैया का ही साउंड रखिएगा, हर साल राज भैया से फाइनल हो आप, मैं यही चाहूंगा कि आपका ही कार्यक्रम रहे, आप ही हमारे सहयोगी रहे। और ये भैया शमनी राम अवतार सविता शाह, आपकी ओर से 51 रुपए आए हैं, और हमारे बड़े भाई पप्पू तिवारी जी, आपकी ओर से 51 रुपए आए हैं, बहुत बहुत साधुवाद है बड़े भैया, धन्यवाद है। ये अशोक द्विवेदी काजीपुर, आपकी ओर से 51 रुपए। राज शुक्ला होटल हंस राज, आपकी ओर से ये बहुमूल्य 51 रुपए, बहुत बहुत धन्यवाद है राज भैया। और शमनी मनी आदरणीय श्री विष्णु प्रताप त्रिपाठी बाबा जी, आपकी ओर से ये 101 रुपए का इसने आया है, आदरणीय चाचा जी प्रणाम है, आशीर्वाद की कामना है। आइए दूसरी पंक्ति पढ़ रहा हूं, और जरा सुनेंगे सतीश भैया, विश्वास रखिए
अगर पंक्तियों को आपने सुन लिया तो भूल नहीं पाएंगे। उस माँ ने लिखा, क्या मेरे लाल, अरे पहना दे राखी रख दी, उस माँ ने लिखा बेटे, अरे पहना दे राखी रख दी, है खत में पड़े गुरूर से। अगर पंक्तियां अच्छी लगे पप्पूया तो मेरे लिए नहीं, उस माँ के लिए तालियां होनी चाहिए। अरे पहना दे राखी रख दी, इस खत में पड़े गुरूर से, और बहू ने बंदे मातरम लिखा है सिंदूर से, लिखा है सिंदूर से, लिखा है सिंदूर से। ऐ मेरे लाल, मेरी इस बूढ़ी छाती में दूध उतर आया बेटे, मगर गोद की जगह उसी से खत को चिपकाया बेटे, खत को चिपकाया बेटे, खत को चिपकाया बेटे। तो तेरे भाई ने तेरा नाम लिखा, तेरे लाल ने तुझे नाम लिखा, तेरे भाई ने तेरा नाम लिखा, तेरे लाल ने तुझे नाम लिखा। अरे पिता श्री लिखवाते गोली पीठ पे मत खाना, अब की बार दुश्मन के घर में झंडा फहराना, शत्रु को पार कर आना, युद्ध मत हार कर आना, शत्रु को पार कर आना, युद्ध मत हार कर आना, शत्रु को पार कर आना। मेरे देश में चैनो अमन चाहिए, ईश्वर का हर क्षण नमन चाहिए। अंतिम समय में भारतीय जवान से अंतिम इच्छा पूछी गई तो उसने कहा, मेरे इस तन पर तिरंगे का कफन चाहिए। सुनिए अंतिम पंक्तियां हैं गीत की, आदरणीय जन समुदाय, आदरणीय सम्मान्य अरुणा त्रिपाठी जी, आदरणीय चाची जी की ओर से ये 101 रुपए का इसने आया है, आशीर्वाद की कामना है सम्मानीय चाची जी से। आइए देखिए उस माँ ने विशेष क्या लिखा, क्या बाकी लगे आपको कि विशेष है तो आशीर्वाद दीजिएगा। दादा संजय, संजय जी सुनेंगे लिखा क्या। अरे पाल न पाका हो तेरा, उस माँ ने लिखा कि पाल न पाका हो तेरा, यही दुआ तेरी माँ की है। कोई माँ ये नहीं चाहेगी कि मेरे लाल का अहित हो जाए, उसको मेरी भी उम्र लग जाए, लेकिन जब अपने आप को भारत माता से मिलाती हूं तो अपने आप को छोटा पाती हूं। उस माँ ने लिखा, अरे पाल न पाका हो तेरा, यही दुआ तेरी माँ की है। और माना तुझे कुछ हो गया सरहद पे तो, अरे भूल जाए पप्पू या पप्पू या पप्पू भैया, जरा सुन लीजिए बात, फिर इधर उधर न करिए। अरे पाल न पाका हो तेरा, यही दुआ तेरी माँ की है। और माना तुझे सरहद पे कुछ हो गया तो, अरे भूल जाए
तो चला जाए, तेरा प्याज अभी भी बाकी है। अरे मातृभूमि में तेरे बीज को ये तेरी माँ बो जाएगी। और अगर तू देश पर कुर्बान हो गया तो होगा क्या कि मातृभूमि में तेरे बीज को ये तेरी माँ बो जाएगी। और देश में तू कुर्बान हुआ मेरी धन्य कोख हो जाएगी। ये भारत की परिपाटी है, ये चंदन जैसी माटी है। इतिहास के पन्नों पर हलचल लिख जाए अपशाना। और ये एक बहुमूल्य स्नेह आदरणीय सम्मानी परम श्रद्धे परम पूज दादा श्री लालचंद दीक्षित जी, विश्वास रखिए पप्पू भैया, दादा से कल हमने कहा दादा आपको चलना है और बहुत व्यस्ततम शेड्यूल रहता है दादा का अपने आप में। ये आप मान लीजिए कि समय नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोगों की भावना की कद्र की है, आपने इस निवेदन को स्वीकार किया, इस बात के लिए बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं दादा आप। वाकई में देख रहा हूँ कल रात्रि भर भी कार्यक्रम रहा है दादा माता दीन विश्वकर्मा जी से, और आज की रात्रि भी आपने, और चूंकि दिन में भी नहीं सोए हम लोग, आज हॉस्पिटल में दिन भर बैठे रहे, बड़ा सहयोग रहा है दादा का, बहुत बहुत साधुवाद है। और विश्वास रखिए पप्पू भैया, ऐसे आयोजन हुआ करते हैं, लेकिन कभी आप सोचना कि दादा का आना एक अपने आप में ऐतिहासिक था। हाँ, विश्वास समझ लीजिए, कारण ये है जल्दी ऐसे आयोजन नहीं हो पाते, बहुत धन लोग खर्च कर देते हैं लेकिन कलाकार दो ही आ पाते हैं, तीसरा नहीं आ पाता, लेकिन ये संयोग है कि दादा की उपस्थिति हुई। लाइए पैसे जरूर दीजिए। और ये दुर्गा प्रसाद सविता जी, आपने हमारी कविता पर प्रसन्न होकर ये बहुमूल्य 51 रुपए दिए हैं, दुर्गा प्रसाद भैया बहुत बहुत धन्यवाद है। क्योंकि विश्वास रखिए दुनिया में किसी की कोई मजबूरी नहीं है, कारण ये है शंभू से दुर्गा की दूरी नहीं है। आइए सुनिए कहना है, मातृभूमि में तेरे बीज को कुर्बान हुआ मेरी धन्य को जाएगी। ये पीरों की परिपाटी है, ये चंदन जैसी माटी है। इतिहास के पन्नों पर हलचल लिख जाए अपशाना। और अब की बार दुश्मन के घर में झंडा फहराना, शत्रु को पार कर आना, युद्ध मत हार कर आना, शत्रु को पार कर आना, युद्ध मत हार कर आना, शत्रु को पार कर आना, शत्रु को युद्ध मत बोलिए सच्चे दरबार की जय। और ये अनुभव वाजपेयी शिव कानपुर, आपकी ओर से 51 रुपए का स्नेह आया है, बहुत बहुत धन्यवाद है अनुभव भैया, साधुवाद है। पुत्तन भैया, पुत्तन भैया की ओर से ये 51 रुपए का प्रेम प्रसून आया है। आइए चलते चलते दो पंक्तियां मैं सुना दे रहा हूं,
कहीं कोई विषय नहीं है पप्पू भैया, क्योंकि विश्वास रखिए मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। ये नहीं, मैं मेरी बात सुन लो, 3 बजे से ऊपर हमने कार्यक्रम गाया नहीं प्रदेश में, आप जानते हो, लेकिन ये आपका आदेश है तो सब बोलते रहे इतनी देर का। आइए चलाओ एक गीत फिल्मी कलाकारों ने गाया, तो घूंघट की आड़ से दिल भर का जब तक ना मिले नजरों से नजर, वो प्यार अधूरा रहता है। आइए इन पंक्तियों में सभी लोगों की तालियां चाहूंगा, और बाकी पंक्तियां भी अच्छी है, सुनिएगा जरा। ये आपका आशीर्वाद है, और सत्य मान लीजिए पप्पू भैया, जो इसने आपसे मिलता है वो जल्दी कहीं नहीं मिलता। सम्मानी विजय नारायण वाजपेयी जी, महुआ गांव कानपुर, आपकी ओर से बहुमूल्य 101 रुपए का इसने आया है, बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है दादा वाजपेयी जी। दो पंक्तियां सुनिएगा, संबोल चल कह रहा है। तो राजा बलि के द्वारे पे कि राजा बलि के द्वारे पे भगवान का पहरा रहता है। होती है जहां भी राम कथा, होती है जहां भी राम कथा, हनुमान का पहरा रहता है। होती है जहां पे राम कथा, होती है जहां पे राम कथा, तो राजा बलि के द्वारे पे भगवान का पहरा रहता है। होती है जहां भी राम कथा, हनुमान का पहरा रहता है। होती है जहां पे राम कथा, हनुमान जहां पे राम कथा, होती है जहां पे राम कथा। सभी लोग अपने अपने हाथों को ऊपर कर ले और हमारे साथ चले, कहे ओम नमः शिवाय, हरि ओम।